लोग अज असी ना आए हैगे आ पंडित सरदार राम फलोर जी का 187वां जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है वा नव दुर्गा मंदिर के बाबा जी तो पूरी पूरी सिंगला जी मंत न्यायदासपुरी जी दर्शन लगे भेजा होर भी उन्होंने साथी जिन्हें भी अब प्रोग्राम कर रहे चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है और चलिए आगे चलते हैं। जय हो जय हो प्रभु। ये कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लगा जी मैं प्रोग्राम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा। संजय महेंद्रू जी और देखिए के बाबा जी जो इनिशिएटिव लेते हैं हर बारी, अब भी लगे हुए हैं यहाँ पे। साडा छोटा वीर श्याम सफर मल्होत्रा, रंजन सूर जी, सरदार राव सिंह जी जो के साडे हरियाणा दे फाउंडेशन दे प्रधान ने हिमाचल तो आए ने। हमने मैनू कई गल आई कि असि हिमाचल च बैठे तुहाडा प्रोग्राम देख रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश तो गल आई, वक्त स्टेटा तो गल आ, सिद्धू साहब अज मैं इंजेक्शन की गल की है, लाओ थोड़ा जा बैठो है, थोड़े लिए की आज नेता थोड़े टाइम घट हों, असं सम्मान करना चाहते हैं। अज मैं समझा कि जिथे मैं वक्त स्टेटा तो आप समझ लो कि आपके अमेरिके के पैसे लगे हैं तो बड़ी दूर तक जा रहे हो, 180 कंट्री दे विच जा रहे हो, असीं उन्हां नाल स्वागत कर रहे हैं। आत्मा चैनल जिवें कह रहा आत्मा परमात्मा नाल जोड़दी है, आत्मा दे राहीं तुहानूं जोड़दे हां परमात्मा दे नाल, आत्मा चैनल दे राहीं जोड़दे हां, अते नाल ही साडे जागृती तो साडा तीन चैनल प्राइम एशिया, 18 न्यूज, भगवती रस, ये सारे चैनल आपो अपने ढंग के नाल लाइव चला रहे हैं। पंडित सरदार राम फलौरी जी का संदेश दूर तक जा रहा है। मैं घड़ी वाले 10-12 मिनट ही तुहाडे होर लैणे आ, उदों बाद भोजन तैयार है, सारे ने इकट्ठे रह सकना। तो मैं जिथे अनीश गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, निखिल गर्ग जी, सारे का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा बहुत ही सम्मानयोग शख्सियतें बैठी ने, मैं लवली चौधरी जी, पवन गर्ग जी, उठता नहीं खड़े, हाथ खड़ा करो भाई, बस 5-7 मिनट का टाइम होता अपना बैठने का, कोशिश कराया करो बैठना भी सीखो, सीखना चाहिए। साढ़े बेदी साहब वाइस प्रधान, तो मैं सबका जब भी आप एक सत्संग की तरह समागम है, ये कोई साडा पोलिटिकल या कोई होर नहीं, तुसी देखिया इतने सारे ही आ रहे हैं, सारे घर जाके सदा दे रहे हैं। तो मेरे नालों पुराना कोई कांग्रेसी है जी, जे कांग्रेस की लाइए, पर इतने कोई कांग्रेस नहीं, इतने बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, इतने आप वाले भी आ रहे हैं, इतने अकाली दल वाले, सब को बुलाया, बड़े सत्कार में बुलाया, घर जाके बुलाया, कोई फर्क नहीं पैदा, ये तो एवं ही बाकी भंडारा, असली तो आ जगह, असली आ सोच है, असी उन्हां महान जिथे देश भगतां नूं याद करना, क्योंकि पंडित सरदार राम फलौरी ने कल्ली आरती नहीं लिखी, नावल नहीं लिखे, वो एक स्वतंत्रता संग्रामी सन, देश नूं आजाद करवाउण वाले भी एक महान शख्सियत, उन्हां नूं याद करना साडा सब का फर्ज बनता। साडा मैं बेनती करता जसप्रीत फलक, ये भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर के कवि ने, एक घड़ी वाले 5 मिनट लैन गए, उस तो बाद सतीश शर्मा जी साढ़े सरप्रस्त प्रिंसीपल साहब दो शब्द वो कहेंगे, तो उस बाद सम्मान की रस्म होगी, तो फिर सिमी जी सब का धन्यवाद करेंगे। एक बार पास करने वाले, तो इन सभी को मैं
सादर नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। भारतवर्ष ऋषियों मुनियों तपस्वियों गुरुओं पीरों की भूमि रहा है। यहाँ की आध्यात्मिक रोशनी ने संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है, नई दिशाएं दिखाई हैं। आइए परम श्रद्धेय श्रद्धाराम फुलौरी जी करते हुए, जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे विश्व आरती लिखी, जिसका सुबह शाम घरों में मंदिरों में गायन होता है, अध्यात्म की खुशबू फैलती है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमने भी उसी धरती पर जन्म लिया, उसी पावन धरती पर जन्म लिया जहाँ फुलौरी जी ने अपना साहित्य रचा। हिंदी साहित्य के यशस्वी लेखक पंडित श्रद्धाराम फुलौरी जी को सिर्फ आर्टी की वजह से ही नहीं जाना देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने उसके अतिरिक्त भी जो साहित्य रचा है उनके साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए। उनके व्यक्तित्व का, कृतित्व का, उनका स्वतंत्रता सेनानी होना, ओजस्वी कवि होना हमारे चरित्र को नवीन दिशा प्रदान करता है। ऐसी महान विभूतियों का साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, हमें सदैव उनको स्मरण करना चाहिए। यह ऐसा दौर है जब लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, नई पीढ़ी विदेशों की तरफ आकर्षित होती जा रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अखंड ज्योत जलाने में ये जिन महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें सर्वप्रथम माननीय कृष्ण कुमार बाबा जी का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार हम सभी कृष्ण कुमार बाबा जी के लिए पूरा तालियां बनती हैं उनके लिए। उन्होंने समय समय पर बड़े महापुरुषों को याद किया और इसी प्रकार के आयोजन करवाए। आज हम पंडित श्रद्धाराम फुलौरी जी की पावन स्मृति को याद कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन समाज को एकजुट करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम हवन की तरह होते हैं जो हमारे अंतर्मन को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ ही हमारे बाह्य वातावरण को भी शुद्ध कर देते हैं। आज का ये कार्यक्रम माननीय कृष्ण कुमार बाबा जी के समर्पण और त्याग का प्रमाण है। उनकी एक विशेषता का मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि राष्ट्र में उनकी अपनी भूमिका निभाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर, देखिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है के बाबू की तरफ से, तो देखिए जो सभी लोग वही बैठे हैं तो प्रसाद लेकर ही जाएंगे सभी लोग, तो हम लोग अभी चले जाएंगे क्योंकि हमें ना प्रसाद लेना है ना दक्षिणा लेनी है, क्योंकि हम जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। और जिन लोगों ने दक्षिणा लेनी है वो यहाँ रुकेंगे सभी पर, लेकिन हम लोग जैसे आए थे वैसे चलेंगे और हम धीरे धीरे बाहर को जा रहे हैं, ना हम प्रसाद लेंगे ना हम दक्षिणा लेंगे। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार करते हैं हम लोग, इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ, सभी लोग आए हुए हैं और देखिए ढोल भी चल रहा है, चला चला चल भाई।